नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट P8-I के बारे में। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, आज इंडियन नेवी के एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट P8-I ने तकरीबन 6 साल कंप्लीट कर लिया है इंडियन नेवी में। जैसा कि आप सबको बता दूं, ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट 2012-13 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था और आज इसने अपने 6 साल कंप्लीट कर लिए हैं। तो इसके इतने लंबे सर्विस के बाद ये सवाल कहीं ना कहीं उठता है कि क्या इंडिया को भी अपना ही एक P8-I के तर्ज पे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट डेवलप करना चाहिए, जो कि काफी क्रूशियल भी है। अगर आप देखते हो इंडिया के जो नेबर्स हैं उनके सबमरीन की मात्रा आप देखते हो, जैसे कि चाइना, उसके पास तकरीबन 60+ सबमरीन्स हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए, ऐसी कंडीशंस को देखते हुए, इंडिया को अपना इंडिजिनस एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट जरूर डेवलप करना चाहिए। तो आइए जान लेते हैं कि ये एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट इतना क्यों खास है, ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं इसमें जो कि इसको एक अल्टीमेट सबमरीन किलर बनाती है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, इंडियन नेवी तकरीबन 8 की मात्रा में P8-I को ऑपरेट करती है और तकरीबन 4 का ऑर्डर ऑलरेडी 2016 में कर रखा है, जो कि 2020 के मध्य तक या फिर 2020 के अंत तक इंडियन नेवी को डिलीवर कर दिया जाएगा, तब इसकी मात्रा तकरीबन 12 हो जाएगी। तो P8-I एयरक्राफ्ट, जिसे बनाया है बोइंग ने, और इसे पहले PH पोइजन के नाम से भी जाना जाता था US नेवी में, जो कि एक मल्टी मिशन मैरीटाइम एयरक्राफ्ट है US नेवी में, और इसे डेवलप किया है बोइंग डिफेंस ने। और ये एयरक्राफ्ट बेस्ड है बोइंग के 737-800ERX पे, उसको और मिलिट्राइज और डिफेंस के लिए कंपेटेबल बनाया गया है। और इतना तो आपको मालूम ही होगा कि P8-I हर तरह के एंटी सबमरीन मिशंस, एंटी सरफेस मिशंस, शिपिंग इंट्रोडिक्शन और उसके साथ ही अर्ली मॉर्निंग सेल्फ प्रोटेक्शन जैसे कुछ एबिलिटीज में दी गई हैं। और इसमें दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स, और ये एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है बहुत सारे टॉर्पीडो, हार्पून एंटीशिप मिसाइल्स और सोनोबायो जैसे एक्सपेंडेबल सोनार सिस्टम लॉन्च करने में भी सक्षम है। बेसिकली ये सोनोबायो सिस्टम जब P8-I से छोड़े जाएंगे तो ये समुद्र के सरफेस पे जाके फ्लोट करने लगते हैं और कुछ सेंसर्स समुद्र की सरफेस के नीचे अपने भेज देते हैं, और जिसकी वजह से वो जो सेंसर्स डेटा गैदर कर रहे होते हैं सबमरीन्स के बारे में, उस डेटा को समुद्र की सतह पे तैर रहे फ्लोट बायन सिस्टम P8-I को कंटिन्यूसली भेज रहे होते हैं, और जिसकी वजह से इसके अंदर जो सबमरीन डिटेक्शन कैपेबिलिटी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। तो ये जो सोनोबायो सिस्टम है काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है P8-I में, और इसे फ्यूचर के लिए प्लान किया जा रहा है कि जो भी स्वार्म ड्रोन्स होंगे उन्हें भी कंट्रोल करने की क्षमता इसमें दी जाएगी। और इसमें तकरीबन 9 क्रू मेंबर की जगह है, और इस एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह की कोई भी विंडो नहीं दी गई है। अगर 2 विंडो दी गई है तो वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए दी गई है, वो भी फ्रंट फ्यूजलाज में। अब बात करते हैं किस तरह के वेपन्स और रडार सिस्टम ये कैरी करता है अपने साथ। तो जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, लोअर ऑल्टीट्यूड पे जो एयर की डेंसिटी होती है वो हायर होती है, तो उतने एयर की डेंसिटी को सस्टेन करने के लिए इसका जो फ्यूजलाज है उसको और स्ट्रेंथन किया गया है। वैसे तो इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन 13,000 मीटर तक की है, और इसमें इसके 2 इंजन के अलावा एक्स्ट्रा जनरेटर सिस्टम भी लगाए गए हैं, जो कि तकरीबन 180 केवीए के जनरेटर्स हैं। और इसको कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हाई एयर फ्लो में भी लो टर्बुलेंस को बियर करने में सक्षम होगा, जिससे कि जो एयरक्राफ्ट की जो शेकिंग होगी वो बहुत कम होगी, और जो अंदर क्रू मेंबर्स बैठे होंगे वो किसी भी मिशन पे कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो इसे उस लिहाज से भी डिजाइन किया गया है। जैसा कि आप सबको बता दूं, इसके विंग के जस्ट बगल में ही एक सेक्शन दिया गया है जहां से छोटे बॉम्ब्स, टॉर्पीडो और वेपनरी को स्टोर किया जाता है। जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, P8-I में स्पेशली दिया गया है हाई ऑल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेपन कैपेबिलिटी, जो कि एक एयर लॉन्च एसेसरी है, और ये हेल्प करता है किसी भी टॉर्पीडो को एज अ ग्लाइड बॉम्ब के रूप में यूज करने में। P8-I में दिया गया है रेडियन का API-10 रेडार, जो कि एक मल्टी मिशन सर्च रेडार है। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, ये मल्टी मिशन रेडार API-10 काफी एडवांस रेडार है, और इसमें 2 तरह के फंक्शनिंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। ये कैपेबल है हाई रेजोल्यूशन इमेज लेने में, चाहे वो लैंड पे हो या फिर सी में हो। तो इसके लिए इसमें दिया गया है सिंथेटिक अपर्चर रडार, और उसके साथ ही इसमें लगाया गया है इनवर्स सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसमें लगाया गया है पेरिस्कोप डिटेक्शन एंड नेविगेशन। तो बेसिकली इसका जो ISAR मोड है वो कैपेबल है सर्चिंग के टाइम पे ही डिफरेंट डिफरेंट तरह के हाई रेजोल्यूशन इमेज कैप्चर करने में, जो कि हेल्प करता है ऑपरेटर को हर सिचुएशन को अच्छे से ट्रैक और डिटेक्ट करने में। हालांकि P8-I में मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्टर MAD नहीं दिया गया है, और उसका मेन रीजन बताया जाता है इसके हाई ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड को, लेकिन इसमें दिया गया जो अकोस्टिक सेंसर है वो MAD की जो रिक्वायरमेंट है उसको एलिमिनेट कर देता है, वो उसका भी काम कर देता है। लेकिन जो नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं इंडिया ने 2016 में 4 और एडिशनल P8-I के लिए, तो उसमें इंडिया ने डिमांड किया है कि वो जो बोइंग कंपनी है जो P8-I प्रोवाइड कर रही है वो इसमें मैग्नेटिक अनोमली डिटेक्टर MAD लगा के दे। और इसमें साथ ही लगाया गया है एक और APS-149 लिटरल सर्वेलियंस रडार सिस्टम LSRS, जिसे अब नए ऑर्डर किए गए 4
P8-I में रिप्लेस किया जाएगा एडवांस एयरबोर्न सेंसर रडार से। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि इतने सारे रडार और सेंसर्स का कॉम्बिनेशन इस एयरक्राफ्ट को काफी एडवांस बनाता है इसके वेपन सिस्टम को देखते हुए, जो कि ये कैपेबल है किसी भी तरह के स्टेल्थ सबमरीन को भी डिटेक्ट और ट्रैक करने में, और उसमें इसकी हेल्प करता है इसका जो सोनोबायो सिस्टम है जो कि एक सोनार सिस्टम है। और एक चीज मैं मेंशन करना भूल गया कि इसकी रेंज तकरीबन 2250 किलोमीटर है, जो कि यह तकरीबन 780 किलोमीटर पर आर के स्पीड से कवर करने में सक्षम होगा। तो इतने सारी कैपेबिलिटी और रडार सिस्टम के साथ ये एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम अपने आप में काफी एडवांस है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि आप सब जानते होंगे, इंडियन नेवी को इस तरह के एयरक्राफ्ट फ्यूचर में चाहिए होगा अपने नेबर्स को देखते हुए। तो जैसे ही इंडिया ने अपना ही एक एयरबोर्न रडार सिस्टम डेवलप किया नेत्रा, ठीक उसी तरह इंडिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपना ही एक इंडिजिनस P8-I एयरक्राफ्ट डेवलप कर सके, जो कि किसी भी कमर्शियल प्लेन को लेके मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। और शायद कहीं ना कहीं ये थॉट्स इंडियन नेवी और इंडियन डिफेंस प्लानर्स के दिमाग में भी होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन ओशियन रीजन्स में जो दुश्मन के सबमरीन्स की मात्रा है वो बढ़ती जा रही है, और उसको देखते हुए ऐसे एयरक्राफ्ट की आवश्यकता समय की मांग हो चली है। तो इसको लेके आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।